वेलकम बैक टू अमजद एकेडमी। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं और उसके तहत हम इलास्टिसिटी ये सेक्शन देख रहे हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमारे पास इलास्टिसिटी और फ्रिक्शन के दो पार्ट है, उसमें से हमने पहला पार्ट शुरू किया है इलास्टिसिटी। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने जो है तो स्ट्रेस का एक्सप्लेनेशन लिया था। स्ट्रेस को हमने डिफाइन करे थे, उसके यूनिट्स और डायमेंशंस लिए थे, उसके टाइप्स की स्टडी करे थे। उसी तरीके से हम अब जो है अगली जो क्वांटिटी है इलास्टिसिटी से रिलेटेड उस क्वांटिटी का हम स्टडी करने जा रहे हैं और उसका नाम है स्ट्रेन। हम जानते हैं कि अगर इलास्टिक बॉडी या किसी मटेरियल बॉडी को हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के डायमेंशंस में चेंज होता है। तो अगर हम रेशियो ले चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का, उस रेशियो को कहा जाता है स्ट्रेन। तो हम स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज defined as the ratio of change in dimension to original dimension इस रेशियो को हम कहेंगे स्ट्रेन। डिफॉर्मिंग फोर्स के वजह से डायमेंशंस चेंज होते हैं, तो अगर हमने रेशियो लिया चेंज इन डायमेंशन का ओरिजिनल डायमेंशन के साथ, उस रेशियो से जो नई क्वांटिटी जो बनती है उसको कहा जाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का डेफिनेशन के मुताबिक फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, ये रेशियो मतलब डिवीजन। तो किसका डिवीजन, रेशियो ऑफ मतलब डिवीजन ऑफ चेंज इन डायमेंशन, ये मैंने लिखा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये डेफिनेशन के मुताबिक स्ट्रेन का फॉर्मूला बन गया। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब चूंकि ये सेम टाइप के क्वांटिटीज का रेशियो रहेगा, इस वजह से स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि वो रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज का, इसलिए डायमेंशंस और यूनिट्स दोनों न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में सेम रहेंगे और इस वजह से वो कैंसिल हो जाएंगे। तो स्ट्रेन के भी तीन टाइप है। जिस तरीके से हमने स्ट्रेस के तीन टाइप देखे थे, उसी तरह से स्ट्रेन के भी तीन टाइप्स रहेंगे। एक रहेगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन और तीसरा शेयरिंग स्ट्रेन। तो आपको याद होगा हमने स्ट्रेस के भी यही नाम लिए थे, स्ट्रेस के टाइप्स के भी नाम यही थे। स्ट्रेस के तीन टाइप्स थे, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। उसी तरीके से स्ट्रेन के भी तीन टाइप्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहां पर भी जो डायमेंशन कंसीडर होगा, यहां लेंथ कंसीडर होगा, यहां पर वॉल्यूम कंसीडर होगा और वहां पर शेप कंसीडर होगा, चेंज इन शेप आएगा। तो उस समय जो स्ट्रेन रहेगा वो रहेगा शेयरिंग स्ट्रेन। अब एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं। तो स्ट्रेन को हमने डिफाइन किया, यूनिट डायमेंशंस के बारे में बात कर ली, उसके टाइप्स के बारे में बात कर ली, अब एक एक करके हम इनको डिफाइन करेंगे। तो पहला जो स्ट्रेन है वो था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। पहला लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। आप अगर इसका ओरिजिनल जो डेफिनेशन याद रख लिए तो आप इन तीन टाइप को भी आसानी से डिफाइन कर ले सकते हैं। तो ओरिजिनली जो हमने डेफिनेशन में बोला था, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, वहां डायमेंशन की जगह पे अगर मैंने लेंथ ले लिया तो वो बन जाएगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि इट विल बी डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज the ratio of change in length to original length और of course ये change क्यों आएगा, क्योंकि हम deforming force लगा रहे हैं। देखिए, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। और इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैंने जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के वक्त जो मैं एग्जांपल लिया था कि एक ये वायर लिया हमने, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसकी लेंथ है ओरिजिनल लेंथ, डिफॉर्मेशन से पहले, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से पहले ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, कैपिटल L इसकी ओरिजिनल लेंथ, और हमने इसको डिफॉर्मेशन लगाया, दोनों तरफ से हमने इसको फोर्स लगाया, इधर भी फोर्स लगाया और इधर भी फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो इसके लेंथ में तब्दीली आ जाएगी। हो सकता है कि ये लेंथ यहां पर इतनी बढ़ जाए, ये इंक्रीज इन लेंथ रहेगी, तो ये यहां पर आ गया। उसी तरीके से यहां पर भी इतनी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो ये चेंज इन लेंथ है स्मॉल एल, स्मॉल एल। कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ है और हमने इसको फोर्स लगाया था एफ, एफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हमने दोनों तरफ से, तो लेंथ इंक्रीज हो गई, स्मॉल एल इज द इंक्रीज इन लेंथ। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन इस तरह से करेंगे, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए, केस को मैं सिंपल कर दे रहा हूं, एकदम सिंप्लीफाइड कर दे रहा हूं। इस एंड को मैंने फिक्स कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इस एंड को मैंने फिक्स कर दिया, इस एंड को मैंने फिक्स कर दिया, ये एंड फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, और यहां से मैं ये फोर्स एफ लगा रहा हूं, फोर्स एफ लगा रहा हूं, तो एल इतना चेंज इन लेंथ हुआ, तो यहां पर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ स्मॉल एल, स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हुआ स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। कभी कभी चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल भी लिखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी चलेगा। आप देखेंगे कि एल का यूनिट, दोनों एल का यूनिट या तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर रहेगा और वो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को कोई भी यूनिट भी नहीं रहेगा और डायमेंशन भी नहीं रहेगा। ये हुआ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब सेकेंड टाइप का स्ट्रेन हम देखेंगे, उसका नाम है वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन सेकेंड टाइप का स्ट्रेन है। नंबर 2 वॉल्यूम स्ट्रेन, इसका डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से रहेगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसलिए मैं बोलूंगा रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके लिए फिर से वही फिगर, हमने जो स्ट्रेस के टर्म लिया था ये एक वॉल्यूम V है, ओरिजिनल वॉल्यूम V है, और इसको हमने चौतरफा फोर्स लगाया, यानी कि हमने प्रेशर चेंज किया। इस केस में हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो अब इसका वॉल्यूम जो है, नया वॉल्यूम V माइनस dV हो जाएगा, V माइनस dV। तो अब ये जो वॉल्यूम है V माइनस dV, यानी वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ, dV से चेंज हुआ। ये इतना जो है ये डॉटेड लाइन से इस तरफ वो रहेगा dV, चेंज इन वॉल्यूम, और ओरिजिनल वॉल्यूम था V। अब हम डेफिनेशन के मुताबिक इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम strain is equal to change in volume. Upon original volume. Original volume. So this is equal to change in volume हो गया dv और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम v, और ये प्रेशर के डिक्रीज होने से आया है, प्रेशर के इंक्रीज होने से ये वॉल्यूम बढ़ा है। तो इस तरह से ये वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया। इसमें भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहां पर भी वॉल्यूम स्ट्रेन को भी किसी तरह का यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। अब तीसरे टाइप का स्ट्रेन जिसका ताल्लुक है शेप से और वॉल्यूम, जो शेयरिंग स्ट्रेस था उस वक्त हमने जो लिया था वही हम यहां पर लेंगे, वापस से उसी फिगर को लेंगे। तो नंबर 3 है शेयरिंग स्ट्रेन। और हमने पत्तों का एग्जाम्पल लिए थे, खेलने के पत्ते एक के ऊपर एक रख दिए गए हैं, एक के ऊपर एक लेयर बना दिए, साइड से हम देख रहे हैं तो उसको एक रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा या स्क्वायर टाइप का शेप आ जाएगा, और हमने अगर टेंडेंशियल फोर्स लगाया तो सारे पत्ते एक दूसरे पे खिसक जाएंगे और शेप चेंज हो जाएगा। तो ये फिगर, हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिगर की मदद से हम इसको आसानी से डिफाइन कर ले सकते हैं। तो फिगर की मदद से मैं बोलूंगा कि ये शेप था, पहले स्क्वायर शेप था लेयर्स का, ये लेयर्स है एक के ऊपर एक, हमने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये टेंजेंशियल फोर्स ऊपर की लेयर को लगाया, नीचे की लेयर को कर दिया फिक्स, ये लेयर फिक्स है। टेंजेंशियल फोर्स लगाने से सारे लेयर्स डिस्प्लेस हो गए और जो है तो अब नई ये पोजीशन आ गई है, इस पोजीशन पर आ गए हैं, ये पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये पहले समझ लीजिए A B C D था ओरिजिनली, ऐसा शेप था, टेंजेंशियल फोर्स लगाने से अब A जो है तो A डैश पे आ गया, B B डैश पर आ गया, C और D चूंकि फिक्स है इसलिए उनकी जगह नहीं बदली है, और यहां पर कुछ एंगल एक थीटा यहां पर आ जाएगा, ये एंगल थीटा यहां पर रहेगा। और उस समय हमने ये जो चेंज इन लेंथ ली थी, ये चेंज इन लेंथ इसको हमने लिया है x लिया था हमने, ये जो लेयर डिस्प्लेस हो गई यहां से यहां आ गई, तो ये डिस्टेंस x लिया था, ये डिस्टेंस x, और ये साइड की लेंथ हमने ली थी l। अब हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेन क्या है। शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज the ratio of lateral displacement of a layer, lateral displacement of a layer to its distance from the fixed layer, ये डेफिनेशन है इसका. आई होप यू कैन सी दैट कंप्लीटली. या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट. लैटरल मीन्स साइडवाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर. बेसिकली वी आर टेकिंग द अपरमोस्ट लेयर ऑफ एनी लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर. तो ये लेयर फिक्स्ड है यहां पर, दिस लेयर इज फिक्स्ड. And now you can see that this layer has been displaced. Now by the definition, I can write the formula for shearing strain. The definition says I have to take the ratio. So I am writing here, shearing strain is equal to it is again the ratio division. Ratio of what? Lateral displacement. Lateral displacement of a layer upon divided by distance from fixed layer. So this is the formula for shearing strain. So now let me put the value. Lateral displacement is how much? X. As also I can write this also will be X. So lateral displacement of the layer is X upon distance from the fixed layer. You can see that this distance from the fixed layer, this distance is nothing but it is L. So it is X upon L. Now keeping in mind this theta, what it is coming out to be? It is opposite side upon adjacent side. So that is nothing but tan theta, where this theta is called as angle of shear. Sometimes it is also called as angle of twist. So shearing strain is equal to X upon L, which can be said to be tan theta, where this theta is angle of shear. So here we have studied the second quantity related with elasticity, and that is strain. We have defined strain, we have discussed about units and dimension, and we have discussed about the types of strain. Three types of strain: longitudinal strain, volume strain, and shearing strain. So here we are ready to now continue further this section. If we continue this for elasticity, now we will study the next part of the chapter. That is, we will study Hooke's Law. तो उसके पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि इलास्टिक लिमिट किसको कहते हैं. हुक्स लॉ में इलास्टिक लिमिट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी. तो इलास्टिक लिमिट यानी कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस कोई भी बॉडी बर्दाश्त कर सकता है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन. तो जब भी हम बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होने के बाद अगर हमने ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो रिमूव कर दिए तो बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. लेकिन ऐसा एक हद तक होगा कि जब वो अपने पूरे ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए, एक हद तक, एक मैक्सिमम फोर्स लगने तक. उसके बाद अगर आप फर्दर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगी, हालांकि वो इलास्टिक बॉडी ही रहेगी। तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस जो बॉडी बियर कर सकती है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, या उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कह लीजिए इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन बियर विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो हुक्स लॉ ये कहता है, अब हम उस हुक्स लॉ का स्टेटमेंट ले सकते हैं। इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, विदिन इलास्टिक लिमिट, विदिन इलास्टिक लिमिट, विदिन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ कहता है विदिन इलास्टिक लिमिट, यानी कि विदिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस is directly proportional to strain। यह है हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ में विदिन इलास्टिक लिमिट लिखना जरूरी है। अगर आप विदिन इलास्टिक लिमिट नहीं लिखते हैं तो यह स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको यह कहना पड़ेगा कि विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो हुक्स लॉ से यह पता चलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको अगर इक्वेट करना है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहां पर आपको लेना पड़ेगा कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक कांस्टेंट बोलिए या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां पर आप देखेंगे कि कांस्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नया कांस्टेंट आया है इस कांस्टेंट को आप कहेंगे इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, या इसको दूसरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसका नाम है। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी या जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हुक्स लॉ आपके समझ में आ गया, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस पर से ये इक्वेशन आ गया, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और हमको जो काम का इक्वेशन इस पर से मिला, कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मैं कांस्टेंट नहीं बोल के इसको बोलूंगा इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब जिस तरह से हमने देखा कि स्ट्रेस के तीन टाइप्स, स्ट्रेन के तीन टाइप्स, तो उसी तरीके से ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है इसके भी तीन टाइप्स रहेंगे, तीन टाइप्स रहेंगे। जिस टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लेगा उस हिसाब से हमको इलास्टिक कांस्टेंट भी तीन मिलेंगे। तो इलास्टिक कांस्टेंट के टाइप या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप, इलास्टिक कांस्टेंट के तीन टाइप। पहला है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y से। दूसरा है बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे k से। और तीसरा टाइप है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। तो इलास्टिक कांस्टेंट तीन टाइप के हो गए, यंग्स मॉड्यूलस रिप्रेजेंटेड बाय लेटर y, सेकेंड इज बल्क मॉड्यूलस रिप्रेजेंटेड बाय लेटर k, and modulus of rigidity represented by letter eta. Now, in general, we have seen that elastic constant is equal to stress upon strain. तो अगर ये तीन टाइप को डिफाइन करना है तो आपने अगर पहले टाइप का स्ट्रेस और पहले टाइप का स्ट्रेन का रेशियो ले लिया तो वो बन जाएगा पहला मॉड्यूलस, पहला इलास्टिक कांस्टेंट। फिर दूसरे टाइप का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय दूसरे टाइप का स्ट्रेन, उसका रेशियो ले लिए तो सेकेंड टाइप का इलास्टिक कांस्टेंट मिल जाएगा। और उसी तरीके से अगर हमने तीसरे टाइप का स्ट्रेस और तीसरे टाइप का स्ट्रेन उनका रेशियो ले लिए तो हमको मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये तो मैंने बिल्कुल आपको कीवर्ड्स दे दिया, अगर आप ये कीवर्ड्स याद रख लेंगे तो इस तरह से आप इलास्टिक कांस्टेंट के तीनों टाइप्स को डिफाइन भी कर सकेंगे। तो उसमें से जो पहला टाइप है वो है यंग्स मॉड्यूलस वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा है बल्क मॉड्यूलस के, तीसरा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि स्ट्रेन क्या है। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड इन दिस लेक्चर स्ट्रेन, उसके यूनिट डायमेंशन के बारे में और उसके टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देन आई हैव इंट्रोड्यूस्ड टू यू व्हाट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, और फिर हमने देखा हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ क्या कहता है, और इन शॉर्ट हमने इंट्रोड्यूस किया इलास्टिक कांस्टेंट को भी। इलास्टिक कांस्टेंट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं उसको। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब तीन टाइप के हैं, तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन और तीन टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट। तो हमने इस लेक्चर में इन चीजों की स्टडी की है। मैं इन शॉर्ट 2 मिनट में अपने लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। स्ट्रेन है, इट इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, आई मीन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। ये हो गया स्ट्रेन। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हमने देखा तीन टाइप्स के स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन के तीन टाइप्स, तीनों को हमने डिफाइन किया। तो पहला था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, अगेन नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। देन सेकेंड टाइप वॉल्यूम स्ट्रेन, it is defined as the ratio of change in volume to original volume, no unit no dimension. And third, shearing strain is defined as the ratio of lateral displacement of a layer to its distance from the fixed layer, वो रेशियो को हम कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। ये तीन टाइप्स के स्ट्रेन हो गए, तीनों को यूनिट डायमेंशन नहीं है। फिर इलास्टिक लिमिट यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन रेजिस्ट बिफोर गेटिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन से के पहले तक कितना वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, बियर कर सकता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। फिर हमने हुक्स लॉ पढ़ा, हुक्स लॉ का डेफिनेशन है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसके रिलेशन से हमको जो कांस्टेंट मिला उस कांस्टेंट का नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। और इलास्टिक कांस्टेंट का डेफिनेशन है विद इन इलास्टिक लिमिट the ratio of stress to strain is called as elastic constant. तो अगले लेक्चर में हम इलास्टिक कांस्टेंट के टाइप्स और उनके फॉर्मूलाज हम स्टडी करेंगे। तो अब तक आपको क्या समझा क्या नहीं समझा आप मुझे कमेंट करिए, और मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अमजद एकेडमी। और मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर उसको लाइक कीजिए, एकेडमी का पेज है उसको भी जाकर लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह से इंशाल्लाह मैं आपके 11वीं के पूरे वीडियोस बनाऊंगा, पूरे चैप्टर्स पर इंशाल्लाह, अल्लाह मुझे उतनी ताकत दे। और जो है तो 12वीं के भी पूरे वीडियोस चल रहे हैं, 12वीं के भी वीडियोस बनना चालू है, वो भी मैं जो है तो अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। केमिस्ट्री के भी जो है तो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, उस वो वीडियोस भी आप देखिए। बायोमोलिक्यूल्स पर 12th का भी जो है तो वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, 11th के भी वीडियोस आना अब शुरू हो जाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी को एंजॉय कीजिए। आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। Do subscribe, like my videos, visit my YouTube channel and my Facebook